अलहदा रियासत तेलंगाना से कबल TRS ने आवाम से हमा अकसाम के वादे किए, बेशतर वादों की तकमील में TRS नाकाम हो गई है। रियासती वजीर आला रियासत की आवाम से बेपरवाह और प्रोजेक्ट्स के नाम पर मफादात के हुसूल में मसरूफ़ हैं। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ की रोजगार आज जो है, आप जो सॉफ्टवेयर में तेलंगाना आगे बढ़ रहे, बोल रहे थे ना साहब, हमारा KTR साहब, आपके सॉफ्टवेयर में किसको नौकरी मिल रहा है साहब? पूरा नाम तेलंगाना वालों को, आपके सॉफ्टवेयर में तेलंगाना वालों की हिस्सा कितना है साहब? 10% 20% भी नहीं है, बोल रहा हूं 80% बाहर वाले है, बोलकर बोलना चाहता हूं मैं। क्या इस वजह से तेलंगाना अलग रियासत के वास्ते लड़े क्या साहब? और ये जेल के बारे में, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो उसको तो कमीशन प्रोजेक्ट बोल के बोलना चाहिए साहब, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट नहीं है, कमीशन प्रोजेक्ट है साहब। सिर्फ BHEL से खरीदे से इलेक्ट्रिकल पंप में 5,600 करोड़ करप्शन की कल हमारा नागम जनार्दन साहब सबूत दिखाए। सिर्फ BHEL से खरीदे से पंप में, दिगर पंपों की बात रखो। अब गोदावरी रिवर से जो है अपने को रोजाना 2 TMC लिफ्ट कर रहे हैं कि अपने को हेक्टार ऐसा, उसे ज्यादा नहीं है हाइड्रोलॉजी क्लियरेंस। वैसी कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र वालों को 60,000 क्यूसेक के पानी वो फ्लड की सीजन में ले जाने की इसे पोस्ट्रेट पाड़ो हेड रेटर बना लिया सा, उसको तो आज यही जगनमोहन रेड्डी KCR से मिलाकर, KCR से मिलकर हर रोज 1,00,000 क्यूसेक ले गए जैसा साजिश से उसको बढ़ा रहे 1,00,000 क्यूसेक रोजाना, मतलब रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं, रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं। हमारा KCR साथ आंख मूछ के आराम कर रहे हैं।